फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक वेरी 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 ब्यूटीफुल ऑयल पेस्टल ड्राइंग। आपको तो थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि ये ड्राइंग कितना ब्यूटीफुल है। जी गाइस, ये ड्राइंग तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये ड्राइंग में मैंने यूज किया है कैमेल आर्टिस्ट ऑयल पेस्टल कलर का। तो बिना देर किए आज का ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी भी लंकन बस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। और हाँ, अगर आप एकदम बिगिनर्स लेवल का ड्राइंग देखना चाहते हो तो आप रन कैनवास का और एक जो चैनल है रन कैनवास लिटिल स्टार्स आर्ट रूम, उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल में जाओ, चैनल को विजिट करो। उस चैनल में हम एकदम इजी स्टेप बाय स्टेप स्क्रैच लेवल का ड्राइंग अपलोड करते हैं जो कि आपको काफी स्कूल प्रोजेक्ट में भी हेल्प करेगा। तो चलिए बिना देर किए आज का ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक वेरी ब्यूटीफुल स्वान सीनरी ड्राइंग दिखा रही हूँ ऑयल पेस्टल कलर से। स्वान के बीक से मैंने ड्राइंग स्टार्ट किया है। नाउ मैं हेड पोर्शन कर रही हूँ, नाउ बॉडी पोर्शन मैं ड्रॉ कर रही हूँ। गाइस, एकदम इजी वे से स्टेप बाय स्टेप मैंने ये ड्राइंग आपको दिखाया है। ये ड्राइंग का पेंसिल ड्राइंग तो एकदम ही टफ नहीं है, एकदम इजी पेंसिल ड्राइंग है। और मैं पेंसिल ड्राइंग के लिए HB पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी पेंसिल है आप उसको यूज़ करो, लेकिन थोड़ा सा लाइट करके ड्राइंग करो, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा डार्क करके ड्राइंग करोगे ना तो हो सकता है ड्राइंग करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई करेक्शन करना पड़े, आपको इसलिए इरेज करना पड़े। तो ड्राइंग ज़्यादा प्रेस करके या ड्राइंग ज़्यादा डार्क पेंसिल से करोगे तो इरेज करने के बाद भी थोड़ा सा इम्प्रेशन रह जाता है, तो वो पेज को थोड़ा सा गंदा कर देता है। कलर करने के बाद भी वो सब स्पॉट रह जाता है कभी कभी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एकदम लाइट करके ये लाइन ड्राइंग को कंप्लीट करो। नाउ मैं बैकग्राउंड का जो सीनरी है वो ड्राइंग कर रही हूँ। गाइज, अगर आपको ऐसा ही ब्यूटीफुल ड्राइंग रंग कैनवास से देखना है और सीखना है तो आप रंग कैनवास को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो एकदम मत भूलिएगा। गाइज, मेरा पेंसिल ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा सा मैंने शेडिंग्स भी ऐड कर लिया है, कहाँ पे डार्क होगा इसीलिए। तो फ्रेंड्स, अब मेरा लाइन ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं कलर करने वाली हूँ और इस ड्राइंग में मैंने जो जो कलर यूज किया है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेप बाय स्टेप दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो। और मेरे स्क्रीन पे भी मैंने कलर के साथ कलर का नाम दे दिया है। आई होप वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए कलर स्टार्ट करते हैं। गाइज, नाउ मैं कलर स्टार्ट कर रही हूँ। कलर स्टार्ट करने से पहले मैंने सन को इरेज कर लिया है, क्योंकि मुझे ये डार्क जो स्पॉट है सन का जो पेंसिल ड्राइंग है ये नहीं चाहिए, इसलिए नाउ मैं वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। नाउ मैं लाइट येलो कलर यूज़ कर रही हूँ। गाइज, ये स्काई वेरी ड्रामेटिक स्काई है, इसलिए मैंने बहुत सारा कलर यूज़ किया है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप ये ड्राइंग को बिना स्किप किए पूरा ड्राइंग देखो, तभी आप ये ड्राइंग को एज इट इज़ कर पाओगे। आप ड्राइंग वीडियो क्यों देखते हो? आपको ड्राइंग करना है, कुछ सीख सको आप इसलिए देखते हो ना। तो आप अगर स्किप कर दोगे तो आप कैसे सीख पाओगे गाइज? इसलिए बिना स्किप किए पूरा ड्राइंग आप करो। जहाँ पे स्किप करना है, बोरिंग चीज़ है, वो सब हम खुद से ही एडिट कर देते हैं, क्योंकि आप तो जानते हो कि यूट्यूब में टाइम एक कंसर्न है, हमें एक टाइम के अंदर वीडियो को कंप्लीट करना पड़ता है। ये वीडियो ड्राइंग करने के लिए तो बहुत टाइम लगा, 2-3 घंटा लगा, लेकिन वो 2-3 घंटे का वीडियो तो हम यूट्यूब में अपलोड नहीं कर सकते हैं हम। इसलिए पूरा ड्राइंग का जो जिस्ट है, मेन पार्ट होता है, वही आपको दिखाते हैं। आप उसको भी स्किप कर जाओगे तो आप कैसे सीख पाओगे? इसलिए पूरा वीडियो आप देखो। नाउ मैं क्लाउड्स कर रही हूँ। क्लाउड्स को ब्लेंड कर रही हूँ। गाइस, क्लाउड्स को जब आप ब्लेंड करोगे तो याद रखना कटन बार से ही करना है आपको, और एकदम हल्का प्रेशर देके, ज़्यादा प्रेशर देके करोगे तो ऐसा जो क्लाउडी इफेक्ट है ना वो नहीं आएगा। नाउ मैं स्काई में थोड़ा सा डार्क टोन ऐड कर रही हूँ डार्क वायलेट कलर से। नाउ मैं पीछे का जो बुशेस है वो कर रही हूँ रोज पिंक कलर से। गाइज, मैंने इस ड्राइंग में जो कलर यूज़ किया है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट बाय पार्ट दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत हो। और वैसे भी मेरे स्क्रीन पे भी मैंने कलर के साथ कलर का नाम मेंशन कर दिया है, तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ मैं वाटर का कलर कर रही हूँ। वाटर में डिफरेंट कलर ऐड करने से पहले मैंने वाइट कलर यूज़ कर लिया है फ्लैट। स्काई का रिफ्लेक्शन ही वाटर में पड़ता है, इसलिए स्काई में मैंने जो जो कलर यूज़ किया है वो सब कलर ही मैंने वाटर का जो ये ऊपर का पोर्शन है इसमें ऐड किया है।
आप देखो जैसे लाइट येलो, पिंक, ग्रीन कलर, रोज पिंक कलर, ये सब कलर। और गाइज मैंने इस ड्राइंग में जो कलर यूज़ किया है वो पर्टिकुलर कलर अगर आपके पास नहीं है तो उसका सिमिलर जो भी कलर आपके पास है आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये कलर लेके इस ड्राइंग में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर सकते हो। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद जो एक कलर स्कीम का ब्यूटीफुलनेस है ना वो चला जाएगा आप डिफरेंट शेड्स का कलर अगर यूज़ करोगे। नाव में पीछे का जो बूश है उसमें लीफ ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ। अब इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ गाइस कॉटन बार से। नाव में अनदर साइड का जो बूशेस है उसको कलर कर रही हूँ, उसमें मैंने ऑलिव ग्रीन, लेमन येलो एंड लीफ ग्रीन कलर यूज किया है। नाव में ब्लैक ल्यूमोग्राफ पेंसिल यूज कर रही हूँ, एकदम जो डार्क पोर्शन है जहाँ पे ब्लैक पोर्शन चाहिए वो सब करने के लिए। अगर आपके पास ब्लैक ल्यूमोग्राफ पेंसिल ना हो फ्रेंड्स तो आप ब्लैक लेंस मार्किंग पेंसिल भी यूज कर सकते हो। नाव में वाटर में जो ये बुशेस का रिफ्लेक्शन पड़ा है, प्लांट्स का रिफ्लेक्शन पड़ा है वो कर रही हूँ। वो करने के लिए मैंने ऑलिव ग्रीन कलर, रोज पिंक कलर यूज़ किया है। नाव में सन का एंड क्लाउड का रिफ्लेक्शन कर रही हूँ वाटर में वाइट एंड लाइट येलो कलर से। आप इसको ब्लेंड कर रही हूँ गाइस, ये ड्राइंग को आप पूरा देखो क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत डिफरेंट टाइप का भी ब्लेंडिंग टेक्निक यूज़ किया है। कहीं पे मैंने राउंड करके ब्लेंड किया है, कहीं पे सीधा ब्लेंड किया है, कहीं पे हॉरिजॉन्टली ब्लेंड किया है। कौन सा पोर्शन आपको कैसे ब्लेंड करना है ये ज़रूर देखना है। नाव में स्वान का कलर कर रही हूँ, स्वान में मैंने फर्स्ट फ्लैट वाइट कलर लगा लिया है। नाव में ब्लू, लाइट ब्लू, आईसी ब्लू, ये सब ब्लू कलर का शेड्स ऐड कर रही हूँ। आप देखो गाइज ये स्वान को एकदम धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट मैंने जैसे दिखाया है आपको भी वैसा ही करना है। गाइज आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप थंबनेल देख के ड्राइंग मत करो। थंबनेल देख के जब आप ड्राइंग करने जाओगे तो आपको प्रॉपरली पता नहीं चलेगा कि मैंने कौन सा कलर यूज़ किया है। थंबनेल में आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने कहाँ पे कौन सा कलर यूज़ किया है। ये सब आपको डिटेल्स में जानने के लिए आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। नाव में कॉटन बार्स यूज कर रही हूँ ब्लेंडिंग के लिए। आप देखो गाइज ये जो फेदर्स पोर्शन है ना, ये विंग्स में जो फेदर पोर्शन है इसको मैंने कैसे ब्लेंड किया है आप प्रॉपर से फॉलो करो। नाव में सीजर्स ऐड कर रही हूँ, जो शार्प एजेस है, हाईलाइट पोर्शन है, वो सब डिटेल्स ऐड करने के लिए। नाव में डार्क ग्रे कलर यूज कर रही हूँ, जो डार्क पोर्शन है स्वान का वो करने के लिए, थोड़ा सा उसमें वायलेट कलर भी यूज कर रही हूँ। अब इसको ब्लेंड कर रही हूँ फिंगर से रब करके। नाउ अगेन मैं सीजर्स ऐड कर रही हूँ स्वान के बॉडी में जो फेदर्स का जो स्ट्रक्चर्स है वो करने के लिए। गाइज अगर आपको एकदम बिगिनर्स लेवल का, स्क्रैच लेवल का ड्राइंग देखना है तो रंग कैनवास का और एक जो चैनल है, रंग कैनवास लिटिल स्टार्स आर्ट रूम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए। गाइज उस चैनल में हम एकदम ईजी स्टेप बाय स्टेप बिगिनर्स लेवल का ड्राइंग अपलोड करते हैं, आई थिंक वो बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। नाउ मैं वाइट एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ स्वान के बॉडी का जो शार्प एजेस है वो सब करने के लिए। गाइज ये पोर्शन करने के लिए आपको जीरो नंबर ब्रश यूज़ करना है। नाउ मैं बिग पोर्शन का कलर करने के लिए कलर पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने पिंक, रेड, ऑरेंज कलर का शेड्स यूज़ किया है। गाइज आपके पास जो भी कंपनी का कलर पेंसिल हो आप उसको यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे प्रिज्म कलर पेंसिल यूज़ किया है, और अगर आपके पास कलर पेंसिल ना हो तो आप ऑयल पेस्टल कलर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली क्योंकि ये पोर्शन का सरफेस छोटा है तो कलर बाहर स्प्रेड कर सकता है। अगेन मैं ब्लैक ल्यूमोग्राफ पेंसिल यूज़ कर रही हूँ।
गाइज आप देखो, मैं जितना डिटेल्स ऐड करते जाऊंगी ना ये ड्राइंग में, बहुत सारा डिटेल्स मैंने ऐड किया है, उतना ये ड्राइंग ब्यूटीफुल होता जाएगा, उतना ही ड्राइंग में जान आता जाएगा। गाइज नाउ मैं अगेन एक्रेलिक वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ हाईलाइट देने के लिए। नाउ मैं वाटर का पोर्शन कर रही हूँ। वाटर में मैंने ब्लू कलर का शेड्स यूज़ किया है, जैसे लाइट ब्लू, कोबाल्ट ब्लू, पुशन ब्लू, ये सब। गाइज ये जो प्लांट का अराउंड जो वाटर पोर्शन है, इसको आपको काफ़ी ध्यान से करना है कि कलर प्लांट के अंदर ना चला जाए। नाउ मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ कॉटन बार से, और जहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सरफेस है वो सब जगह में मैं फिंगर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन शार्प एजेस जहाँ पे है आपको याद रखना है वहाँ पे आप फिंगर एकदम ही मत यूज़ करो, क्योंकि फिंगर आप यूज़ करोगे तो एकदम कलर स्प्रेड हो जाएगा। नाउ मैं स्वान का जो रिफ्लेक्शन है वो कर रही हूँ, उसमें मैंने उसके लिए मैंने पुशन ब्लू कलर यूज़ किया है फर्स्ट। नाउ थोड़ा सा वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। गाइज ये वाटर वेरी इंपॉर्टेंट है, वाटर आप ध्यान से देखो, क्योंकि वाटर में रिफ्लेक्शन कैसे पड़ा है, शेडो कैसे पड़ा है, रिफ्लेक्शन और शेडो का डिफरेंस क्या है, ये आप ये ड्राइंग करते वक्त जान जाओगे। नाउ मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ। ये ब्लैक कलर मैंने यूज़ किया है स्वान का जो शेडो पड़ा है वाटर में वो करने के लिए। अब इसको ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ मैं अगेन कलर पेंसिल्स यूज़ कर रही हूँ ये जो लोटस है वो करने के लिए। गाइस ये लोटस में मैंने रेड एंड पिंक कलर का शेड्स यूज़ किया है, और एक जो एकदम जो हाईलाइट पार्ट्स है ना उसमें मैंने वाइट कलर यूज़ किया है। गाइज देखो आप, मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप ये आपको दिखाया है। आपके पास कलर पेंसिल ना हो, आप ऑयल पेस्टल कलर से ही करोगे, तो आप रेड पिंक एंड वाइट कलर यूज़ करके ये करो, और जहाँ पे डार्क पोर्शन है वहाँ पे डार्क रेड एंड रोज पिंक कलर यूज़ करो। गाइज यहाँ पे ऑलमोस्ट सब लोटस सेम पैटर्न का ही है, इसलिए मैंने एक आपको दिखाया है, बाकी मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो सेम जैसे ही होगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जहाँ पे स्किप करना है आपको ना देख के ही आप कर पाओगे बिना देख के ही, वो सब पोर्शन हम ही स्किप कर देते हैं। आपको स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरा वीडियो देखो तभी आप कुछ सीख पाओगे। गाइज अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो आप इसका स्पीड कम कर सकते हो। आप तो जानते ही हो कि YouTube में एक सेटिंग्स में जाके आप स्पीड कम कर सकते हो। जब आप स्पीड कम करोगे तो आप मेरा वॉइस ओवर को थोड़ा सा म्यूट कर लेना, क्योंकि वॉइस ओवर तब काफ़ी हॉरिबल हो जाता है जब आप स्पीड कम कर देते हो, इसीलिए। नाउ मैं ये जो प्लांट्स है इसका रिफ्लेक्शन एंड शेडो कर रही हूँ। नाउ वाटर रिपल्स कर रही हूँ मैं लाइट ब्लू कलर से। नाउ अगेन मैं वाटर्स में जो लोटस है वो कलर कर रही हूँ, वो भी मैंने सेम कलर टोन से ही यूज किया है। गाइज अगर आपको ऐसा ही ब्यूटीफुल ड्राइंग रंग कैनवास से देखना है और सीखना है तो आप रंग कैनवास को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना एकदम मत भूलिएगा। नाउ मैं ब्लैक ल्यूमोग्राफ पेंसिल से लोटस का शेडो कर रही हूँ। गाइज अब इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ। ये ल्यूमोग्राफ पेंसिल काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ऑयल पेस्टल कलर से। अगेन मैं ये जो और एक लोटस बचा हुआ है उसको कलर कर रही हूँ, उस पर भी मैंने सेम कलर टोन ही यूज़ किया है। अब जनरली लोटस का जो कलर होता है वो ही यूज़ किया है, पिंक कलर का टोन। गाइज आप मेरा मानो तो ये वीडियो को पूरा देखो फर्स्ट। आप अगर ऐसा ही एज इट इज़ ब्यूटीफुल सेम मास्टरपीस करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट पूरा वीडियो देखना है, फिर आप जब ड्राइंग स्टार्ट करोगे तब आपको वीडियो को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करके पार्ट बाय पार्ट, सपोज आप स्काई का कलर कर रहे हो, स्काई का कलर आप वीडियो में देखो कि मैंने कौन सा कलर के बाद कौन सा कलर दिया है, कैसे इसको ब्लेंड किया है, ये सब देखो। फिर स्काई का पोर्शन अगर आपको देखना कंप्लीट हो जाए तो उसको पॉज करो, फिर आप वो पार्ट ड्राइंग कर लो, फिर आप नेक्स्ट पार्ट में आओ। ऐसा अगर करोगे आप ज़रूर सीख पाओगे, मेरा बात मान के आप ड्राइंग करो, आप ज़रूर अच्छे से ड्राइंग कर पाओगे और बहुत अच्छा टेक्निक भी सीख पाओगे। नाउ मैं लोटस का रिफ्लेक्शन कर रही हूँ, इसलिए मैंने पिंक कलर का शेड्स यूज़ किया है।
अब इसको ब्लेंड कर रही हूँ कॉटन बार से। गाइज देखो ये ड्राइंग धीरे धीरे जितना कंप्लीट होता जा रहा है उतना ही ब्यूटीफुल लग रहा है। मुझे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये ड्राइंग करके। आप फ्रेम करके इसको वॉल हैंगिंग भी कर सकते हो। ऐसा एक ड्राइंग अगर आपके ड्राइंग रूम में होगा तो कितना अच्छा लगेगा, ड्राइंग रूम का जैसे डेकोरेशन ही चेंज हो जाएगा। तो आप ये ड्राइंग को बहुत अच्छे से करो और आप ये ड्राइंग करके हमें रंग कैनवास का जो इंस्टाग्राम पेज है ना उसमें भी शेयर कर सकते हो। नाउ मैं जो वो लीव्स है उसका डार्क टोन्स ऐड कर रही हूँ ब्लैक ल्यूमोग्राफ पेंसिल से। गाइज ये ड्राइंग अगर आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपको ये ड्राइंग कैसा लगा, और ये ड्राइंग लाइक और शेयर भी ज़रूर करो। आप वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हो, हमें बहुत सारा लाइक और शेयर चाहिए ये ड्राइंग में, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही हम मोटिवेट होते हैं। ये ड्राइंग तो आप ओनली आपके लिए ही करते हैं ना, अगर आप ही हमें मोटिवेट नहीं करोगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर करो। नाउ मैं ये जो अनदर लीव्स है इसको ब्लेंड कर रही हूँ और अगेन इसमें भी डार्क टोन ऐड कर रही हूँ। आप देखो जब भी मैं डार्क टोन से डिटेल्स ऐड कर रही हूँ ना तब कितना अच्छा लग रहा है। नाउ मैं व्हाइट एक्रेलिक अगेन यूज़ कर रही हूँ हाईलाइट टोन देने के लिए। बस अगर आपके पास व्हाइट एक्रेलिक कलर ना हो तो आपके पास अगर व्हाइट पोस्टर कलर हो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो अब मेरा कलर भी कम्प्लीट हो चुकी है, अब मैं मास्किंग टेप रिमूव करने वाली हूँ। तो चलिए बिना देर किए मास्किंग टेप को रिमूव करते हैं। नाउ मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं मास्किंग टेप्स रिमूव कर रही हूँ। गाइस देखो कितना अच्छा लग रहा है ये ड्राइंग, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप जरूर ये ड्राइंग को अटेम्प्ट लो गाइस और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ड्राइंग। अब देख रहे हो ना कितना ब्यूटीफुल है ये ड्राइंग, मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये ड्राइंग। तो आपको अगर ये ड्राइंग अच्छा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये ड्राइंग करके आप रंग कैनवास का जो इंस्टाग्राम चैनल है उसमें भी शेयर कर सकते हो रंग कैनवास के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।